नमस्कार। हाय व्यूअर्स, रेसिपी कल्याणीज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ समक के चावल की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। समक के चावल को सामा के चावल या कहीं कहीं इसे कौन भी कहा जाता है। यह रेसिपी नवरात्रि या व्रत के दौरान काफी उत्तम मानी गई है। इसका कारण मैं वीडियो में बाद में शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाई जाती है समक के चावल की खीर। यहाँ मैं हाफ कप समक के चावल ले रही हूँ। ये 250 ml का कप है। अब इसे साफ पानी से हल्के हाथों से मसल मसल कर धो लूंगी और गंदे पानी को फेंक कर तब तक धोऊंगी जब तक पानी बिल्कुल साफ न निकले। मैं जो समक के चावल का यूज कर रही हूँ ये प्रीमियम क्वालिटी का है और इसे मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ, इसीलिए इसे तीन बार धोने से ही इसमें से सारी गंदगी निकल चुकी है। यह देखिए, अब पानी काफी साफ दिख रहा है। अब इसमें उतना पानी डालना है कि चावल पूरी तरह से डूब जाए और ऊपर दो उंगली पानी रहे। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देती हूँ। अब एक पैन को मध्यम आंच में गर्म कर डेढ़ बड़ी चम्मच देसी घी डाल देती हूँ। इस घी में कुछ ड्राई फ्रूट्स को भून लूंगी। मैं यहाँ बादाम को लंबे लंबे टुकड़ों में काटी हूँ और काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ली हूँ। मैं यहाँ कुछ किशमिश भी ली हूँ, लेकिन इसे नहीं भूनूंगी क्योंकि किशमिश भूनने से फूल जाती है और खीर में उसका स्वाद भी अजीब सा हो जाता है। इन ड्राई फ्रूट्स को मीडियम टू लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए भूनें। आप चाहे तो घी की जगह वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं, पर खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स को घी में भूनने से इसका स्वाद काफी बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करके भी मिला सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि देसी घी में ड्राई फ्रूट्स भूनने से खीर का स्वाद काफी बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट्स का कलर भी चेंज हो रहा है और भुनने की अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इस बचे हुए घी को निकाल कर रख दे। अब इसी पैन में दो कप फुल क्रीम दूध डाल देती हूँ जो कि हाफ लीटर है। अब गैस को ऑन कर दूध को मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। इसे तब तक गर्म करूंगी जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। दूध उबलने लगा है। अब इसमें भीने हुए समक के चावल को डाल देती हूँ। ध्यान रहे, इसमें केवल चावल डालना है, पानी को नहीं डालना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए पकाना है। समक के चावल काफी गुणकारी होता है और व्रत के दौरान यह एक आइडियल फूड है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट लगभग 10% होता है। अगर इसकी तुलना चावल और गेहूं से करें तो जहां चावल में फाइबर की मात्रा 1% से कम है, वहीं गेहूं में 1% से थोड़ी अधिक है। समक का चावल राइस और व्हीट की तुलना में डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी अच्छी है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावल और गेहूं से काफी कम है। खीर काफी गाढ़ी हो चुकी है और इसे चेक कर लेते हैं कि चावल गली है या नहीं। ये देखिए, चावल अच्छी तरह से गल चुकी है। उंगली से दबाने के बाद अगर सख्त लगे तो इसे थोड़ी देर और पका ले। अब इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को किशमिश के साथ डालकर इसे अच्छी तरह से मिला ले। खीर काफी गाढ़ी हो चुकी है, ठंडा होने पर यह और गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसमें 250 ml गर्म दूध और मिला देती हूँ। अब गैस को ऑफ कर खीर को थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। खीर जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसमें खजूर के गुड़ को ग्रेट कर डाल दे। अगर आपके पास खजूर गुड़ नहीं है तो आप नॉर्मल गुड़ या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना मीठा पसंद करते हैं गुड़ या चीनी की मात्रा उसी हिसाब से डालें। अंत में इसमें एक चम्मच इलायची पाउडर मिला दे। तो लीजिए, तैयार है व्रत स्पेशल स्वादिष्ट और हेल्दी समक के चावल का खीर। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।